The topic is जो विषय है reality check of a true Christian. एक सच्चे मसीही की वास्तविकता की जांच. It is very important for us as a human to understand our life and to have a reality check every now and then. एक मनुष्य होने के नाते हमारे जीवन में बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन को समय दर समय जांचें और देखें कि हम क्या सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं. So today we are going to see some test. We are going to take some test of our spiritual life. So आज हम अपने आत्मिक जीवन के कुछ जांच करने वाले हैं. We are going to take some test of our Christian life. अपने मसीही जीवन को कुछ हम जांच करने वाले हैं. We are going to understand our life better. हम और अच्छे तरीके से अपने जीवन को समझने वाले हैं. Paul says to Barnabas. Paulus Barnabas से कहता है. And he says, let us go again. और वो कहता है आओ हम फिर से चलें. Let us go again. हम फिर से चलें. Somebody say, let us go again. कहो आओ फिर से चलें. Let us go again. आओ फिर से चलें. And visit our brethren in every city. और हर एक नगरों में जाके अपने भाइयों से मिले. Where we have preached the word. जहाँ पे हमने वचन का प्रचार किया था. Where we have preached the word of the Lord. जहाँ पे हमने प्रभु के वचन का प्रचार किया. And see how they do. और देखे कि वे कैसे हैं. Let's go back. आओ वापस चलें. To the churches we made. उन कलीसियाओं में जहाँ पर हम गए थे. To the churches we made. उन कलीसियाओं में जिसको हमने बनाया था, रचा था, to the people we preach, उन लोगों को जिनको हमने प्रचार किया था, and let's go and see how they're doing now. आओ देखें कि वो अब कैसे हैं. Let's have some reality check. आओ देखें कुछ जांच करें उनकी. How they're doing? वो क्या कर रहे हैं? How they're working? कैसे वो उनका काम चल रहा है? Last 2 weeks I'm talking about lying and dishonesty. पिछले 2 हफ्ते से मैं आपसे बात कर रहा हूँ झूठ बोलने के बारे में और बेईमानी के बारे में. I told you the first sin and the last sin of the Bible is lie. और जो बाइबल का पहला और आखिरी पाप था वो झूठ था. And what happened is? और क्या हुआ? Satan has deceived us so much. शैतान ने इतना ज़्यादा भरमा दिया है. That we are lying, but we don't understand we are lying. कि हम झूठ तो बोल रहे हैं, लेकिन पता भी नहीं लगता कि हम झूठ बोल रहे हैं. And I gave you a data. और मैंने आपको एक डाटा, एक सर्वेक्षण दिया था. A survey. एक सर्वेक्षण दिया था. How many percentage of people they lie to their wives and their husbands? कितने प्रतिशत जो लोग हैं वो अपने पति पत्नी से झूठ बोलते हैं? How many percentage of people they lie about their income? कितने प्रतिशत लोग हैं जो अपने इनकम, अपनी सैलरी के बारे में झूठ बोलते हैं? There are people they lie about even their age. और ऐसे भी लोग हैं जो अपनी उम्र के बारे में भी झूठ बोलते हैं. There are people they are talking, they lie to their parents. और लोग अपने माता-पिता, बच्चे अपने माता-पिता से भी झूठ बोलते हैं. So lies, this world is full of lies. So दुनिया पूरी झूठ से भरी हुई है. Everywhere you go, the first thing you hear is a lie. जहाँ कहीं भी आप चले जाएंगे, पहली बात आप सुनेंगे वो है झूठ. You go to a government office, you hear, I don't have, not have time, I'm very busy, it's a lie. और सरकारी दफ्तर में चले जाइए, वो कहेंगे हमारे पास काम करने का समय नहीं, आपका काम नहीं हो सकता, वो झूठ है. Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? You go to your friend, you sometimes some people are in habit of lying. और कुछ लोगों की आदत ही झूठ बोलने की होती है. They always twist the words. हमेशा शब्दों को घुमाते फिराते रहेंगे. Either they will cook the word. और या तो थोड़े शब्दों को पकाएंगे. Either they will cook the word. या तो वो शब्दों को पकाएंगे. Either they will cook a lie. या तो वो झूठ को पकाएंगे. Or either they will twist the lie. और या तो वो झूठ को ही घुमा फिरा देंगे. You got to be mature. आपको परिपक्व होने की जरूरत है. Otherwise, Jesus said, और नहीं तो यीशु ये कहते हैं, you will be deceived. तुम भरमाए जाओगे. How people deceive people with the fake notes, fake bills. और कैसे नकली नोट से लोगों को धोखा देते हैं. People produce fake notes. और नकली जाली नोट कहीं कोई भी लेकर आ जाता है. And how you can be deceived with the fake note. और कैसे आप भरमाए जाते हैं उस नकली नोट से. If you don't know the original note. अगर आपको असली नोट के बारे में नहीं मालूम है. If you don't know what is original. अगर आपको ये नहीं मालूम कि असली नोट कैसा होता है. So you don't have to go and study how many lies are there in the world. तो आपको ये जाके नहीं पढ़ाई लिखाई करने की दुनिया में कितने प्रकार के झूठ हैं. और हाउ मेनी फेक और फेक नोट्स आर देयर, या फिर कितने प्रकार के नकली नोट दुनिया में हैं. नो, यू जस्ट स्टडी व्हाट इज द ओरिजिनल नोट. आप बस ये जाने कि असली नोट कैसा होता है. अगर कभी नकली नोट आ गया बैंक में, तो मैनेजर से लेकर जो है असिस्टेंट लेवल तक के लोगों को, या जितने भी छोटे ओहदे के लोगों को, कैशियर तक को, सबको पता है ये नकली नोट है. उनको नकली नोट के बारे में कैसे पता है? क्योंकि उन्होंने असली के बारे में अच्छे से पढ़ा है. अगर वो मार्केट में जाके सभी नकली नोट ढूंढे कितने हैं, आज 10 नोट के बारे में जानेंगे, कल 10 और आ जाएंगे, परसों 20 और आ जाएंगे. तो नकली के पीछे नहीं जाना है, झूठ के पीछे नहीं जाना है. झूठ तो बहुत जगह से मिलने सुनने को मिलेगा. झूठ
तो बहुत सी जगहों पर आपको सुनने को मिल जाएगा, बहुत से लोगों के द्वारा सुनने को मिल जाएगा। अगर आपने खरा वचन सुना है, अगर आपने खरे नोट को देखा है, तो कोई कितना भी नकली नोट आपके पास लेकर आए, कोई कितना भी मिलावटी वचन आपके पास लेकर आए, आप वो मिलावटी वचन को नहीं लेंगे, क्योंकि आपको खरा की पहचान है। जानता है 22 कैरेट 24 कैरेट क्या सोना होता है। He knows the hallmark. वो जानता है हॉलमार्क को। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? You need to know the original very well. आपको असली को अच्छे से जानने की जरूरत है। So that if the fake person comes, you have to realize, you need to understand that. ताकि जो असली जाके जब नकली आपके सामने आए, तब आप उसकी जांच कर सके और आपको पता लग जाए। जब हम विश्वास में मजबूत नहीं होते हैं, हमें कोई भी नई शिक्षा बहका सकती है। कुछ लोगों को नयापन में मजा आता है, उसके बारे में अभी बात करने वाला। कुछ लोग हर जगह बहक जाते हैं, उनको हर एक शिक्षा अच्छी लगती है, उनको हर एक गीत अच्छे लगते हैं। आपको मालूम है क्या आप मेरे साथ हैं? How are you getting that? कितने लोग समझ पा रहे हैं? आप असलियत को इतने अच्छे से जान, आप अपने पापा को जानते हैं। कल को कोई दूसरा व्यक्ति आपको बोले, मैं तुम्हारा पापा हूं, मैंने तुम्हारे पापा की शर्ट पहनी है, तुम्हारे पापा का पैंट पहना है, तुम्हारे पापा का जूता पहना है, मैं तुम्हारा पिता हूं, आप मान लेंगे वो आपका पिता है? क्यों? क्योंकि आप अपने पिता को अच्छे से जानते हैं। यीशु कहता है और बहुत से मेरे नाम से आएंगे, यीशु कहता है बहुत से मेरे नाम से आएंगे, अद्भुत काम भी दिखाएंगे, चिन्ह और चमत्कार भी दिखाएंगे, पर ये तुम्हें पहचानना है। कलीसिया, आपको जागना है, मेरा काम जगाना है। मैं नहीं आऊंगा हर जगह, ये वाला YouTube चैनल मत देखो, ये प्रचारक को मत सुनो, ये भाई को मत सुनो, इसका गाना मत सुनो, ये आपको जानना है कि आपको क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना है। हालेलुया, हालेलुया। हर कूड़ा करकट इकट्ठा करके भजन मत करने लग जाओ, हर कूड़े वाले गाने पर झूमने मत लग जाओ, पहले जानो कि क्या इसमें कोई भक्ति है भी या सिर्फ ये दिखावा है। We need to identify. हमें जांचने की जरूरत है उसे। How many are listening? What I'm saying? कितने लोग समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? Amen. Amen. Lies, lies, lies. और झूठ 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 है हर जगह। Some people they are not even afraid of lying. और कुछ लोग तो झूठ बोलने से डरते भी नहीं हैं। And they call it a white lie. और उसे वो सफेद झूठ कहते हैं। What is a white lie? सफेद झूठ क्या होता है? White lie means a pure holy lie. और सफेद झूठ का मतलब है पवित्र शुद्ध झूठ। Because White shows holiness. क्योंकि सफेद दिखाता है पवित्रता। So they lie so smartly, so lovingly, and so with purity and holiness. You think it is a truth. So इतनी पवित्रता और शुद्धता के साथ वो उस झूठ को बोलते हैं कि आपको लगता है कि हाँ ये सच है। Hananiah and Sapphira. Hananiah और सफीरा की कहानी आपको याद होगी। They lied in the move of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के चलन के बीच में उन्होंने झूठ बोला। So don't you dare to have a confidence upon your flesh that I cannot lie. So apne sharir par to aap ye bilkul bhi sahas aur ye himmat na kare ki ha main to jhoot nahi bolunga. No. नहीं। People can lie in the midst of the heavy presence of God. लोग परमेश्वर की भारी उपस्थिति के बीच में भी झूठ बोल सकते हैं। They are touched by God. परमेश्वर के द्वारा वो छुए जाते हैं। They're thrust by God. परमेश्वर के द्वारा वो छुए जाते हैं। Pushed by God. परमेश्वर के द्वारा धक्का दिए जाते, हिलाए जाते हैं। So that they can come out. ताकि वो बाहर निकल सकें। But tomorrow they go back in the लेकिन same कल वो फिर से जाके उसी पाप को करते हैं। That is what Satan is producing. और शैतान यही तो कर रहा है। And then dishonesty. और ये बेईमानी। Are we honest? क्या हम ईमानदार हैं? Are we honest to each other? क्या हम एक दूसरे के प्रति ईमानदार हैं? And I was telling in the prayer time that many of Sometimes Satan forcing people to play a victim card. और मैं प्रार्थना के आराधना के समय में जब हम प्रार्थना कर रहे थे, इस बात को मैं बता रहा था कि शैतान बहुत बार लोगों के अंदर ये डाल देता है कि वो पीड़िता वाला खेल बनकर खेलें। पास्टर जी मेरी मम्मी को समझाइए ना, मुझे मार रही है, मुझे विश्वास नहीं कर रही है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। और बेटियां तो रो रो के बोलती है, मैं ऐसे बोला ही नहीं है, मैंने ऐसे किया ही नहीं है, मेरे भाई क्यों मारते हैं, ऐसे मेरे नताने बोलती। और बाद में पता चलता है दो चार दिन बाद कि ये जो आंसू बहा रही थी और अपना गाना गा रही थी कि मैं ऐसा नहीं हूं, ये ऐसी है। ये कौन रिवील करता है? ये वो जो ऊपर से देखता है, जो ऊपर से देखता है और जिनके ऊपर वो है। इसीलिए मैं बोलता हूं वो झूठ बोलने वाले लोग पवित्र आत्मा वाले चर्च में ज्यादा दिन नहीं रह सकते, क्योंकि वो परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा जिसने पत्रस को बोला कि अनन्या और सफीरा दोनों झूठ बोल रहे हैं, वही पवित्र आत्मा आज भी काम
करता है। Amen. आप किसी के आंसू पे मत जाइए, आप किसी की लाचारी पे मत जाइए। कोई कहे मेरे साथ बुरा हुआ है, मुझे गलत बोला गया, मुझे ये किया गया, कभी भी ये विक्टिम कार्ड पे, व्हाट इज व्हाट डू वी कॉल विक्टिम, पीड़िता। सम पीपल विल शो दैट दे आर विक्टिम, और कुछ लोग ये दिखाते हैं कि हाँ हम पीड़िता हैं। रॉन्ग इज डन विद अस, और हमारे साथ गलत हुआ है, बट इन एक्चुअलिटी, लेकिन असलियत में, समटाइम्स दे आर रॉन्ग, कई बार वो गलत ही होते हैं। सफीरा कुड से एवरीवन, ओ माय हस्बैंड इज किल्ड बाय पीटर, और सफीरा सबको कह सकती थी कि ओ पत्रस के द्वारा मेरा जो पति है वो मारा गया। He killed him. उसने उसे मार दिया। It was our money, our land. हमारा पैसा था, हमारी जमीन थी। Before she would ever say that, she was killed too. इससे पहले कि वो ऐसा कुछ बोलती, वो खुद भी मर गई। Because of a lie. एक झूठ की वजह से। Because only of a lie. केवल एक झूठ की वजह से। If a lie is in the house, अगर घर के अंदर एक झूठ है, it will kill joy. वो आनंद को मार देगा। It will keep, kill happiness. वो खुशी को मार देगा। It will kill your blessing. आपकी आशीष को वो खत्म कर देगा। It can make you sick. आपको बीमार कर देगा वो। And it can come, it can go from generation to generation. और वो पीढ़ियों से पीढ़ियों तक झूठ जाएगा। Some people are so confident in telling a lie. कुछ लोग इस बात को कहने बहुत ही हिम्मत रखते हैं और साहस के साथ बोलते हैं। Let's come out of this habit. आइए इस आदत से हम बाहर निकलें। Let's rebuke the Satan. शैतान को डांटें। And make sure that our tongue become a holy tongue. और इस बात को हम पक्का कर लें कि हमारी जुबान एक पवित्र जुबान, एक शुद्ध जुबान बने। Now listen very carefully. अब सुनिए इस बात को ध्यान से। I'm going into the message, main message. मैं अपने संदेश में, अपने मुख्य संदेश में जा रहा हूँ। We see Apostle Paul made a Barnabas. He's telling Barnabas, let's go and revisit the church. और हम इस बात को देखते हैं यहाँ पर कि जो प्रेरित पौलुस है वो अपने बरनबास को कहता है कि आओ हम उन कलीसियाओं में जाकर मिलकर आएं। Let's go and see what they are doing. आओ देखें कि वो क्या कर रहे हैं। We planted a church. हमने कलीसिया की रचना की। We preached the word. हमने सुसमाचार सुनाया। But we don't know what they are doing. लेकिन हमें ये नहीं पता कि अभी वो क्या कर रहे हैं। Suppose I don't know what you all are doing in throughout the week. मान लीजिए मुझे ये नहीं मालूम कि पूरे हफ्ते में आप सभी क्या कर रहे हैं, मुझे पता ही नहीं है। You are meditating my sermon or you are playing around. या फिर क्या आप मेरे प्रचार का मनन कर रहे हैं या फिर आप खेल कूद कर रहे हैं। यू आर मेडिटेटिंग ऑन व्हाट यू हैव रिसीव्ड ऑन संडे और यू आर जस्ट एंजॉयिंग द वर्ल्ड। जो रविवार को आपने प्राप्त किया है उस पर मनन कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, या फिर आप दुनिया का आनंद उठा रहे हैं पूरे हफ्ते। सो पॉल वांट्स टू गो बैक टू द चर्च। तो प्रेरित पौलुस चाहते थे कि हम वापस से उन कलीसियाओं में जाएं। व्हाट अ माइटी मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर का सामर्थ्य जो दास था। एंड ही वांट्स टू डू अ रियलिटी चेक, और वो एक जांच करना चाहता था, वास्तविकता की जांच। व्हाट ही वांट्स टू चेक, वो क्या जांच। He wanted to check whether they are continuing in steadfast faith or not. वो देखना चाहता था कि जो भाई हैं वहाँ के, वो बने हुए हैं कि नहीं उसमें। He wanted to check whether they are growing in grace or not. वो देखना चाहता था कि क्या ये जो भाई हैं अनुग्रह में बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। He wanted to see whether they are going forward or they are standing still. वो देखना चाहता था कलीसिया क्या आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, या फिर वो रुके हुए हैं। He wanted to see whether the church is prospering or falling away. क्या कलीसिया फलवंत हो रही है या फिर कलीसिया पीछे जा रही है। This is a job of a pastor. ये एक पासवान की जिम्मेदारी, इसका कर्तव्य है। To go and revisit the church. कि वो जाए और कलीसिया में मिले। To go and visit the family. और जाए और परिवार से मिले। To go and counsel the children. और जाए और बच्चों को सलाह दें। To go and counsel husband and wife. जाके पति पत्नी को सलाह दें। Our Thursday alpha meeting is saving so many couples life now. और हमारी वीरवार की जो अल्फा मीटिंग थी वो बहुत से जोड़ों को वो बचा रही है। Husband and wife, they have different challenges. और पति और पत्नी के अलग अलग चुनौतियां होती हैं। Every couple have a different challenge. हर एक जोड़ों का एक अलग अलग चुनौती है। Some are having an issue of money, faithfulness, and lot of other things. और कुछ को पैसों की, कुछ को ईमानदारी की, कुछ को अलग अलग प्रकार की परेशानियां उनके बीच में होती हैं। I thank God that we could start this alpha course to save marriages in our church. परमेश्वर का धन्यवाद हूँ कि हम इस अल्फा कोर्स को शुरू कर पाए ताकि कलीसियाओं की जो शादी है, जोड़ों हैं, वो बच सके। Church, कलीसिया, we have to wake up. हमें जागने की जरूरत है। We are living in an age of spiritual danger. हम आत्मिक खतरे के युग में जी रहे हैं। I will repeat again. सुनिए फिर से इस बात को। We are living in an age of a spiritual danger. हम आत्मिक खतरे के युग में जी रहे हैं। Where so many false teaching are hitting us. जहाँ पे बहुत सी झूठी शिक्षाएं हम पर हमला कर रही हैं। Just like so many fake notes. और बिल्कुल वैसे ही बहुत सारे जाली नोट के समान। So many fake teachings. बहुत सी झूठी नकली शिक्षाएं हम पर आकर हमला कर रही हैं, प्रहार कर रही हैं। We have to do the reality.
check. हमें वास्तविकता की जांच करनी है. Yes, I have to stand and tell you here that not every song is a worship song, not every preacher is preaching the right doctrine, not every church is a church. हाँ, मुझे यहाँ से बिल्कुल अधिकार है कि मैं आपको ये बात बताऊँ कि हर एक गीत आराधना का गीत नहीं है, हर एक प्रचार परमेश्वर के वचन से प्रचार नहीं है, और हर एक प्रचारक परमेश्वर के वचन से सही प्रचार आज के दिन नहीं कर रहा है. We have to find it out. हमें ढूंढना है. Whose job it is? किसका काम है ये? If you get a fake note, अगर आपको नकली नोट मिल जाए, who will check it out? कौन जाके उसकी जांच करेगा? It's you. आपको. Because it's in your pocket. क्योंकि आपकी जेब में है वो. Because it's in your purse. क्योंकि वो आपके पर्स में है. Nobody will take that note and change it for you. कोई भी आपके जाकर आपके लिए वो नोट बदल कर नहीं लाएगा. You got the fake note. It's your job to change it. अगर आपके पास नकली नोट है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप जाके उसको बदलें और उसको जांच करें. If you received any false teaching, अगर कोई भी झूठी शिक्षा आपके पास आती है, it's your job to change the teaching. ये आपका काम है कि उस शिक्षा को बदलें और उसे वहां से हटाएं. We have to unlearn and relearn. आपको कुछ चीजें भुलानी पड़ेंगी और कुछ. Am I preaching to somebody here? क्या मैं किसी के लिए बोल रहा हूँ? There are people that are just learning, learning, learning. कुछ लोग ऐसे हैं जो सीख रहे हैं. They are just learning. वो बस सीख रहे हैं. They are just learning. वो बस सीख रहे हैं. They are learning every rubbish. सीख रहे हैं हर एक मूर्खता वाली बातों को सीख रहे हैं. They are learning the good things. अच्छी बात सीख रहे हैं. They are also learning the bad things. बुरी बात भी सीख रहे हैं. Oh, let me learn the Bible. और बाइबल भी सीख लेता हूँ. Let me learn the romance. और रोमांस भी सीख लेता हूँ. Let me learn the novels. और नॉवेल्स भी सीख लेता हूँ. Let me learn the science. और साइंस भी सीख लेता हूँ. We are learning everything. हम सब कुछ में अपना हाथ डाल दे रहे हैं. I have to tell you something. मुझे आपको कुछ बताना है. To learn better, you need to unlearn sometime. आपको कुछ नई चीजें सीखने के लिए पहले कुछ चीजें भुलानी जरूरी है. And भुलाना is very difficult. और भुलानी चीजों को भुलाना बहुत मुश्किल होता है. Learning is easy. सीखना आसान है. But unlearning is tough. लेकिन भुलाना मुश्किल है. Okay, कितने लोग दाएं हाथ से लिखते हैं? You use your right आप hand. अपना दायां हाथ इस्तेमाल करते हैं. राइट हैंडेड हैं आप. How many are lefty here? कितने लेफ्टी यहाँ पर हैं? You use your left hand. आप अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं, जो आप बाएं हाथ लिखने के लिए. बाएं. लेफ्ट हैंडेड. How many lefty? Okay. If all the lefties, और जितने भी बाएं हाथ वाले हैं, if I tell you now, start writing with the right hand. अगर मैं आपको ये कहूं कि अब आप दाएं हाथ से लिखना शुरू कर दें, is it easy? क्या आपके लिए आसान होगा करना? You'll not do that. आप नहीं कर पाएंगे. You'll not be able to do that. आप नहीं कर पाएंगे. You know why? क्या आप जानते क्यों? Because you're habitual of writing with left hands. क्योंकि आप लाजमी है, आप आदि हैं कि आप बाएं हाथ से ही लिखें और ये आपकी आदत में है. कितने लोग मेरा बात सुन रहे हैं, समझ रहा है, सुन रहे हैं क्या? जब आपको किसी चीज की आदत पड़ जाती है तो आदतों को बदलना बहुत मुश्किल है. ध्यान से सुनिएगा. क्या आप मेरे साथ हैं? Yes. क्या आप मेरे साथ हैं? Yes. हर एक बुरी और अच्छी चीज की शुरुआत एक सोच के साथ होती है. अगर आपने सोच वाले स्तर पर उसको डांट दिया तो आप बुरा नहीं करेंगे. सोच को आप बोलने लग जाते हैं एक टाइम पर. जो आपने मान लीजिए झूठ सोच लिया, आप झूठ बोलने लगेंगे, फिर झूठ करने लगेंगे, फिर एक टाइम आएगा बहुत सालों तक झूठ करते करते वो आपका हैबिट बन जाएगा, फिर वो हैबिट एक दिन आपका चरित्र बन जाएगा और लोग आपको नाम देंगे ये झूठा है. अब आपका बदलना नामुमकिन हो जाएगा. ये कब बदला जा सकता था? जब वो सोच आई. लेकिन मैं आपको एक अच्छी खबर देना चाहता हूं. प्रभु यीशु मसीह में आपको हर संडे और हर उस दिन ये मौका मिलता है कि आप अपने आप को बदल लें, जो मुश्किल है, क्योंकि पवित्र आत्मा मदद करता है हमारी ताकि हम अपने आप को बदल सके. जी हां, वो चरित्र बदलने वाला परमेश्वर है, वो व्यवहार बदलने वाला परमेश्वर है. हर किसी को अलग अलग परेशानी है. किसी को जलन, किसी को ईर्ष्या, किसी को नफरत, किसी को इरिटेशन, किसी को गुस्सा, किसी को झूठ, किसी को विश्वास योग्यता की परेशानी है. हर किसी की अपनी परेशानी है. चेक करिए क्या वो आदत तो नहीं बन गई. चेक करिए क्या वो चरित्र तो नहीं बन गया. चेक करिए कहीं वो व्यवहार तो नहीं बन गया. अगर ये बन चुका है तो आपको ठीक होने में मुश्किल होगा. आपके घर में एक इंसान है जो हर बात पे चिल्लाता है. आप उसको बदलना चाहते हैं पर आपने अब छोड़ दिया है, क्योंकि वो चिल्लाना बंद नहीं कर सकता, वो उसकी हैबिट बन गई है. आपके घर में एक इंसान है जो आलसी है, जो काम नहीं करता है, जिसको बोलेंगे तो भी नहीं करता है. एक बच्चा है आपका ऐसा, वो बहुत आलसी है.
आपने कई साल लगा लिए पर वो सुधर नहीं रहा, क्यों? क्योंकि अब वो उसकी हैबिट बन गया है। जब चीजें आदत का रूप ले लेती हैं तो आदतें बदलनी और भूलनी मुश्किल हो जाती है। कुछ नया सीखने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए कई बार हमें कुछ भूलना पड़ता है और भूलना मुश्किल है। जब कहीं से ज्ञान गलत ले लिया है उसको निकालना, he has no problem with चूड़ीस, और चूड़ियों से उसे कोई परेशानी नहीं है। He has no problem with anything. किसी भी चीज से उसे कोई दिक्कत नहीं है। But he has a problem with pride. लेकिन उसे घमंड से परेशानी है। He has a problem with jealousy. उसे जलन से परेशानी है। Some are sick with jealousy. और कुछ लोग जलन रख रख के बीमार हो जाते हैं। Oh, Gaurav is looking smart. Oh, Gaurav, बहुत स्मार्ट लग रहा है ये। I have to get this. और मुझे भी ऐसा ही लेना होगा। Why he got a car? और उसको गाड़ी क्यों मिल गई? Why he got a watch? वो घड़ी क्यों ले ली उसने? Why he got a good phone? अच्छा फोन क्यों मिला उसे? I'm going to very soon preach about jealousy. मैं बहुत ही जल्दी जलन के बारे में प्रचार करने वाला हूँ। That how it dries your bone. कैसे वो आपकी हड्डियों को सुखा देती है? How it dries your blessing. कैसे आपकी आशीषों को जलन सुखा देती है? It's such a powerful curse. ये बहुत ही सामर्थ्य श्राप है। Let me tell you. मैं आपको बताना चाहता हूँ। Jealousy works like a curse. और जलन एक श्राप के जैसे काम करती है। That is why you have to pray that Lord, I cancel every jealousy spirit against me in Jesus' name. और इसीलिए आपको ये प्रार्थना करनी है कि प्रभु मैं अपने खिलाफ में आने वाले हर एक जलन की आत्मा को यीशु के नाम से खत्म करता हूँ। When people jealous of you, जब लोग आपसे जलन करते हैं, they're actually cursing you. वो आपको श्राप दे रहे हैं असलियत में। Cancel it every day. उसे हर रोज रद्द करें। If your family, अगर आपका परिवार relatives, है, रिश्तेदार है, friends, दोस्त है, anywhere, कोई भी कहीं भी, cancel that spirit of jealousy in Jesus' name. उस जलन की आत्मा को यीशु के नाम से रद्द करें. They are jealous of your living. वो आपके जीवन से, आपकी बढ़ोतरी से वो जलन रखते हैं. कुछ लोग कहते हैं अमीर, कई बार हमें कलीसिया में ऐसा लगता है to be a rich is a sin. और अमीर होना शायद पाप है. No. नहीं. The same Bible which says, वही बाइबल जो कि ये कहती है, it is a tough job for a rich to enter in a kingdom of God. कि एक धनवान व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे. But what is the context? लेकिन उसका संदर्भ क्या है? Why the Bible is saying the rich man cannot enter in the kingdom of God? क्यों बाइबल इस बात को कहती है कि धनवान के लिए बहुत ही असंभव है कि वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके? Because rich people, क्योंकि धनी लोग, they are busy in spending money. वो पैसा खर्च करने में व्यस्त रहते हैं. They don't like to serve God. उन्हें परमेश्वर की सेवा करना पसंद नहीं. They don't want a salvation. और वो उद्धार नहीं चाहते. They just want to live in their own pride. उन्हें बस चाहते हैं कि वो हम अपने घमंड में जिएं, जो पैसा हमारे पास है उसमें जीते रहें. And money makes them busy. और पैसा उन्हें व्यस्त कर देता है. Busy in skin care. और स्किन केयर में बिजी हो जाते हैं. बिजी इन हेयर केयर. और बालों में बिजी हो जाते हैं. बिजी इन शॉपिंग. शॉपिंग खरीदारी में बिजी. बिजी इन डिफरेंट थिंग्स. अलग अलग चीजों में बिजी. दे डोंट हैव टाइम फॉर गॉड. सो उनके पास समय नहीं होता परमेश्वर के लिए. लिसन लिसन लिसन. सुनिए इस बात को. बट व्हाई बाइबल सेज देन. लेकिन क्यों बाइबल तब कहती है? अब्राहम वॉज द रिचेस्ट मैन. कि अब्राहम सबसे धनी व्यक्ति था. व्हाई बाइबल सेज. क्यों बाइबल कहती है? जॉब वॉज द रिचेस्ट मैन ऑफ द ईस्ट. अय्यूब पूर्व देश का सबसे धनी व्यक्ति था. हेलो हेलो. हालेलुया हालेलुया. ये प्रकाशन में जब आराधना करता तब प्रभु ने मुझे दिया. वही बाइबल जो कहती है एक धनवान व्यक्ति का परमेश्वर के राज में जाना उतना ही मुश्किल है जितना एक ऊंट का सुई के नाके से निकलना. धनवान व्यक्ति नहीं जा सकता. धनवान कौन? वो धनवान जो पापी है. वो धनवान जो परमेश्वर को नहीं जानता. वो धनवान जो अपने में बिजी है. वो धनवान जो दुनिया में खोया हुआ है. लेकिन मैं आपको कुछ धनवान दिखाता हूं. अब्राहिम को परमेश्वर ने उस देश का राजा बनाया और वो अपने समय का सबसे धनवान व्यक्ति था. सुनिएगा ध्यान से. सुनिएगा ध्यान से. थोड़ा आवाज बढ़ाइएगा. अय्यूब अपने समय का सबसे धनी व्यक्ति था. दाऊद कौन था? एक गडरिया. प्रभु ने उसको क्या बनाया? राजा. राजा बनाया. कहां का राजा बनाया? इज़राइल का राजा बनाया. क्यों राजा बनाया? इन तीनों की कहानी में एक बात मिलती जुलती है और वो है उनकी आज्ञाकारिता, उनकी विश्वास योग्यता, उनका परमेश्वर के लिए डर, उनकी खराई. इसकी वजह से वे तीनों राजा बन गए. यहां तक कि जब खुदा ने अय्यूब का सब कुछ ले लिया
उसको राजा से गरीब बना दिया, उसने तब भी परमेश्वर को कोसा नहीं, उसने तब भी गलत संगति नहीं की, उसने तब भी अपनी बीबी की बात नहीं मानी, उसने तब भी अपने दोस्तों की बात नहीं मानी, परमेश्वर ने उसको वापस से 7 गुना वापस किया। Amen. Hallelujah. मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, हर कोई पापी नहीं है जो अमीर है, कुछ अमीर इसलिए हैं, ध्यान से सुनना जो बोलने वाला और पहुंचे तो बताना, कुछ अमीर इसलिए हैं क्योंकि वे धर्मी हैं। कुछ के पैसे खत्म नहीं होते क्योंकि यहोवा उनके पैसे खत्म होने नहीं देता। कुछ का बटुआ खाली Amen. नहीं होता क्योंकि यहोवा उनका बटुआ खाली होने नहीं देता। कुछ के कपड़े खरीदने बंद नहीं होते, उनकी अलमारियां भरती रहती हैं और दूसरों को देते रहते हैं क्योंकि यहोवा उनकी अलमारियों को भरना बंद नहीं करता है। और मैंने ऐसे अमीरों को परमेश्वर का बहुत बड़ा डोनर के रूप में भी देखा है, मैंने ऐसे अमीरों को परमेश्वर के राज्य में बोते हुए देखा है, मैंने ऐसे अमीरों को परमेश्वर के कार्यों में इस्तेमाल होते हुए देखा है, मैंने ऐसे अमीरों को परमेश्वर के घर में झाड़ू और पोछा लगाते हुए देखा है। क्या आपने भी देखा है? हालेलुया। आर यू लिसनिंग? क्या आप सुन रहे हैं मुझे? बाइबल कहीं भी नहीं कहती पैसा गलत है, बाइबल कहीं भी नहीं कहती पैसा होना गलत है, बाइबल कहती है पैसे का लोभ, पैसे से प्रेम हर एक बुराई की जड़ है। मनी इज नॉट बैड, पैसा बुरा नहीं है। इफ देयर इज नो मनी, अगर कोई पैसा ना हो, हाउ विल यू सर्वाइव, तो आप कैसे जिंदा रहेंगे? योर चिल्ड्रन, आपके बच्चे, योर फैमिली, आपका परिवार कैसे चलेगा? योर नीड्स, आपकी जरूरतें कैसे पूरी होंगी? Money is not bad. पैसा बुरा नहीं है. But if you are just after money. लेकिन अगर आप पैसे के ही पीछे पड़ जाएंगे. If you will do anything for money. अगर आप पैसे के लिए कुछ भी कर देंगे. Then it is bad. तब ये बुरा है. Then you will lie. तब आप झूठ भी बोलेंगे. Then you will fake things. तब आप चीजों को घुमाएंगे फिराएंगे धोखा देंगे. Then you will loot people. तब आप लोगों को लूटेंगे. So we should not do that. इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है. What is richness? और धनवान होना क्या है? Why some people are rich? क्यों कुछ लोग धनी हैं? एक धनवान वो भी था जो लाजर भिखारी को चूर चार भी नहीं देता था, एक धनवान वो भी था जो परमेश्वर के बारे में सोचता नहीं था, कौन है परमेश्वर, परमेश्वर कुछ नहीं होता है, मेरी मर्सिडीज है और मैं हूं, 4 गाड़ियां मेरे घर पे खड़ी हैं, 5 करोड़ की मैंने कोठी ली हुई है, मुझे किसी से क्या लेना देना, मैं धनवान हूं, लाजर जैसे भिखारी को मुझे क्या पूछना है। एक धनवान वो भी था, बाइबल कहती है मरते ही वो तुरंत नरक में गया, और 3 धनवान मैं भी जानता हूं बाइबल में जिसके नाम मैंने बताया, अब्राहिम, अय्यूब और दाऊद, ये 3 ऐसे धनवान थे जिसमें से 2 का तो बहुत अच्छे से पता है कि पहले ये धनवान नहीं थे, एक का पिता मूर्ति बनाता था और एक चरवाहा था, गरीबी से खुदा ने उसको अमीरी पे बना दिया, खुदा ने उस गडरिये को एक राजा बना दिया क्योंकि ये खुदा का डर मानने वाला बंदा था। ध्यान देना, जब पैसा गलत तरीके से आएगा तो वो आशीष नहीं लाएगा, वो बर्बादी लाएगा, आपको और आपके घर को बर्बाद कर देगा। लेकिन जब पैसा आज्ञाकारिता से आएगा, पवित्रता से आएगा, यहोवा के भय से आएगा और धार्मिकता से आएगा, तो बाइबल कहती है कि 10 पीढ़ियां तक उस पैसे से आशीषित हो जाएंगे। ये फ्रॉड करके नहीं मिला है, ये यहोवा ने आपको दिया है। पहले दाऊद के पास इतनी बकरियां थी और इतनी भेड़ें थी जिनको वो चराता था, खुदा ने उसको राजा बना दिया, अब उसके पास पूरा शहर भर के बकरियां थी, अब उसके पास पूरे शहर भर के भेड़ें थी। मैं किसी को आज ये प्रचार करना चाहता हूं कि कई बार अमीरी पाप से नहीं होती, कई बार अमीरी गड़बड़ नहीं है, कई बार आपका अमीर होना यहोवा की ओर से होता है ताकि आप देशों के लिए आशीष बन जाएं। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं?
मैं आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर हमें गरीब बनाने वाला परमेश्वर नहीं है। बाइबल का परमेश्वर कहता है मैं गडरिये को राजा बनाता हूं, मैं गरीब को घूरे से उठाकर चट्टान पर खड़ा करता हूं। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। मेरा बात समझ रहा है? God is talking to some people here. क्या परमेश्वर किसी से बात कर रहा है यहाँ पे? So don't use wrong ways to get rich. So धनी होने के लिए गलत रास्तों का इस्तेमाल ना करें। अरे यार, उस बच्चे ने पढ़ाई की है, उसने IAS ऑफिसर बनने के लिए दिन रात एक कर दिया, आज उसको जॉब मिली है, बढ़िया सूट बूट डाल के एकदम जा रहा है ऑफिस में, वर्दी पहन के जा रहा है, उसके माँ बाप को गर्व है, और आपको गर्मी क्यों लग रही है? आपको तब गर्मी नहीं लग रही थी जब वो घर में बैठ के पढ़ाई कर रहा था, और आपका बच्चा जब इधर उधर घूम रहा था? अब आपको उसकी वर्दी से गर्मी लग रही है? चलन से गर्मी होती ना गर्मी। आपको उस भाई से क्या मुश्किल है? उसकी सैलरी 80,000 है, 50,000 है, उसने उतना काम किया है, उसने उतनी पढ़ाई की है। हेलो हेलो, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हम कुछ रोक सकते हैं किसी का? जिसके लिए यहोवा द्वार खोल दे उसको कोई रोक सकता है? कहता है मेरा खोला हुआ द्वार कोई बंद नहीं कर सकता, और मेरा बंद किया हुआ द्वार Yes. कोई खोल नहीं सकता। मैं किसी को बताना चाहता हूं, खुदा ने आपको अमीर बनाया है या बना रहा है या प्रक्रिया में है, क्योंकि खुदा आपको हम्बल देखता है। बाइबल कहती है अब्राहम नम्र था, बाइबल कहती है दाऊद नम्र था, बाइबल कहती है और अय्यूब खरा और नम्र और हलीम था। आपकी अमीरी में आप नम्र दिखाई देंगे, आप लोगों की सहायता करेंगे। गलत तरीके से अमीर नहीं बनना है, झूठ बोल के नहीं, फरेब करके नहीं, लूट के नहीं, क्योंकि वो पैसा बर्बाद करेगा। एक रुपया आधर्मिकता का घर के अंदर दीमक के समान है। कुछ लोग खुश होते हैं पैसा आया, उनको ये मतलब नहीं कहां से आया। इससे ध्यान रखना, पैसा आया खुश होइए, पर कहां से आया उसके बारे में पता करिए, वो बहुत जरूरी है। और फिर यीशु ने कहा जो खुदा का है वो खुदा को दो, और जो केसर का है वो केसर को दो। दशवांश देने वाले कई बार सोचते हैं यार कम हो जा रहा है दशवांश देकर, मैं बता रहा हूं कम नहीं हो रहा है, खुदा देख रहा है आपको, 10 सालों तक देख रहा है, देख रहा है, कुछ लोगों की ईमानदारी को देख रहा है, आपके देने को देख रहा है। आपको लग रहा है आप भूल गए, मैंने दिया था एक बार 40,000, मैंने दिया था एक बार 10,000, क्या हुआ? आप ऐसा मत सोचिए, ऐसा करके तो आप वो रोकने वाले जो होने वाला है। हेलो, कुछ भूल गए मैंने जो बोला? ऐसा मत सोचिए, ऐसा सोच के आप रोकने वाले जो होने वाला है। Be faithful to God. परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहें। और जब यहोवा देना तो अब्राहिम की तरह जीवन जीना। जो धन गलत तरीके से आता है वो बर्बाद हो जाता है, पर जो धन यहोवा की ओर से आता है, जब यहोवा आपको गडरिये से राजा बनाएगा दाऊद के समान, तो यहोवा पर निछावर करना। जब यहोवा आपको अय्यूब के समान आपकी परीक्षा ले और सब कुछ चला जाए, उसको कोसना मत, उसको श्रापित मत करना, पर उसका तब भी धन्यवाद देना, क्योंकि वो कहता है लूटा हुआ धन, खोया हुआ धन मैं तुझे 7 गुना वापस करूंगा।